और दोस्तों इतना ज्यादा कुछ घामी हो रहा है ना कि खेत तो खेत है, नदी भी सब सूख गया यार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और दोस्तों इतना सारा नील गाय एक खेत में जब पड़ेगा ना तो सब भी बर्बाद कर देगा फसल को यार। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नदी के उस पार से इस पार जाने के लिए ये झुलनी पुल बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग का छठ पर्व यहीं पे होता है, इसी जगह पे। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है पूरे हमारे किसान भाइयों की खेती गृहस्थी। और दोस्तों मेरे पीछे में रहा मेरा खेत, पर एक भी गन्ना की पौधा हरा भरा नहीं दिख रहा है, पूरे जल चुका है यार। पूरे हम लोग का मेहनत ना बर्बाद हो गया है। ये भगवान क्या जुलूम है। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों की हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तरम ब्लॉग्स में। तो अभी शाम की वक्त हो गया है दोस्तों, और अभी से ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर आटा सा रही है। अब तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में, और क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पूरे गन्ना जल करके राख हो गया है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा ही कुछ धूप लग रहा है ना, बहुत ज्यादा ही कुछ यहाँ पर गर्मी है, तो सब जल गया है, गन्ना वना सब जल गया है। उस टाइम तो मैं आया था तो गन्ने की झाड़ पे मिट्टी विट्टी चढ़ा करके गया था काम करने के लिए, डेयरी मजदूर करने के लिए। तो चलते हैं अभी देखने के लिए, अभी कभी भी गए भी नहीं है खेत में, आए ना डेयरी मजदूर करके आए तब से नहीं गए खेत में देखने के लिए कि कैसा गन्ना हुआ है। और पूरे नेचुरल चीज़ें दिखाएंगे आज आप सभी को। और बहुत आधे कुछ जंगलों में से लुलगाए उलगाए होता ना, वो सब हमारे खेतों का और फसलों का बहुत ज़्यादा ही कुछ नुकसान करता है, तो वो सब भी दिखाएंगे। और देखिए दोस्तों अभी बैठ करके ब्लॉग शूट करने में पसीना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्मी है ना। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है पूरे हमारे किसान भाइयों की खेती गृहस्थी। और अभी कहीं तो धान का पौधा है और कहीं गन्ना की पौधा, तो चलिए दिखाते मेरे खेत में जा करके क्या हुआ है मेरे गन्ना की पौधा के। पूरे सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे गन्ना की पौधा पूरे जल चुका है यार। और दोस्तों कर्मों से मैं डेयरी मजदूरी करके आया हूँ, तो अभी तक अपने खेत में एक बार भी झांकी पारने के लिए नहीं गया हूँ। तो सोचा हूँ कि चलते अभी घूम करके आते हैं, क्योंकि शाम के समय हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम रहेगा, कैप्चर होगा, और बहुत ज़्यादा कुछ धूप लग रहा है ना, तो सुबह से ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप सब लोग के मेरे खेतों की क्या हाल है। और दोस्तों अभी पूरे जंगल एरिया में आ गया हूँ, और यहाँ से लगभग एक मिनट की जितना समय लग जाएगा मुझे अपने खेतों में जाने के लिए। तो देखिए पूरे बैकग्राउंड में कैसा, पूरे शीशों का पौधा है, छोटा छोटा अभी है, पर बहुत ज़्यादा ही कुछ हरा भरा नज़ारा दिख रहा है और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है, और आगे की तरफ मेरा खेत है। तो चलते हैं अभी खेत में पहले देखते हैं। और क्योंकि काठमांडू से आया है ना दिहाड़ी मजदूर करके, तो कभी भी अपने खेत में अभी तक झांकी पारने भी नहीं आया हूँ कैसा है, और कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो पर अभी आया हूँ देखने के लिए क्या सीजन है, ऊँखी का हमारा गन्ना का पौधा का हुआ यार, एक भी पौधा नहीं है यार। इधर देखिए दोस्तों, इधर सब गन्ना की पौधा बहुत ज़्यादा ही कुछ हरा भरा है। और यहाँ से देखिए ये मेरा खेत है, ये पूरे सुनसान हो गया है यार, पूरे जल चुका है यार, क्या करे ऐसा यार। बहुत ज़्यादा ही कुछ मेहनत करने के बाद में भी गन्ना नहीं हुआ यार, पूरे जल गया यार, एक भी पौधा नहीं बचा हुआ है। और दोस्तों मेरे पीछे में रहा मेरा खेत, पर एक भी गन्ना की पौधा हरा भरा नहीं दिख रहा है, पूरे जल चुका है यार, पूरे हम लोग का मेहनत ना बर्बाद हो गया है। इतना डिमोटिवेट हो गया यार खेत देख करके ना, एक भी गन्ना का पौधा हरा भरा नहीं दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा ही कुछ मेहनत करके ये सब आलाए थे और दिल ही टूट गया यार, एक भी पौधा हरा भरा नहीं दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा ही कुछ हमारे गाँव में ना गर्मी हो रहा है, धूप लग रहा है, और बारिश भी नहीं हो रहा था। अभी अभी जस्ट एक दिन हुआ बारिश हुआ था बहुत मज़े से, 7-8 महीने से ना बारिश ही नहीं हो रहा था, तो कैसे गन्ना होगा, पूरे जल चुका है यार। और दोस्तों पूरे गन्ना की फसल बर्बाद हो गया, मेहनत भी बर्बाद हो गया, समय भी बर्बाद हो गया यार, और कुछ भी नहीं कर सकते, पर क्या लाइफ है यार, जिंदगी भी ना बहुत ज़्यादा ही कुछ स्ट्रगल से भरा हुआ है हम लोगों का। और गन्ना की पौधा तो पूरे जल गया यार, पूरे एकदम जल ही चुका है, एक दो बच्चा रहता ना तो उम्मीद भी रहता होने का, पर वो भी नहीं बचा हुआ है। तो चलते हैं अभी दोस्तों आगे की तरफ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो है ना तुरंत आप तक पहुँचे। और इधर का जो गन्ना की पौधा है ना तो सब हरा है, पर मेरे ही खेत में पूरा जल चुका है, क्योंकि मेरे खेत में ना बहुत ज़्यादा कुछ रेत है, बालू वालू है, तो इसीलिए वहाँ पर घामी बहुत ज़्यादा ही कुछ धूप लग गया ना तो जल चुका है। और इधर देखिए, इधर तो पूरा अभी हरा वाला है,
जहाँ तक नजर जाएगा ना, जहाँ तक गन्ने की पौधा है, सिर्फ चारों तरफ गन्ना का पौधा चारों तरफ, और वहाँ पर है हम लोग का छठ घाट है। और चलिए दोस्तों वहाँ पर चल के दिखाते हैं आप सभी लोगों को झुलनी पुल। और हमारे गांव में ना ये फर्स्ट झुलनी पुल बना है, और एक नदी के उस पार से इस पार करने के लिए ये झुलनी पुल बना हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों को झुलनी पुल कैसा दिख रहा है हमारे छठ घाट फिर के। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ झुलनी पुल की लग पास में, और अभी तो ऊपर नहीं गए हैं, पर यहाँ से ना दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए चारों तरफ का मस्त व्यू दिख रहा है, और पूरे गन्ने के खेत की पौधा वो भी हरा भरा है, और नदी के उस पार से इस पार जाने के लिए ये झुलनी पुल बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग का छठ पर्व यहीं पे होता है इसी जगह पे, और बहुत ज़्यादा कुछ दूर पड़ता है घर से ना, लगभग आधा घंटा की सफ़र लग जाता है पैदल आने में यहाँ पर। और दोस्तों कुछ ऊपर से दिखने में ऐसा दिखता है, बहुत ही अच्छा मस्त व्यू दिखता है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या नज़ारा है। और छठ के टाइम में ना इसे तो बहुत ज़्यादा ही कुछ झूला जैसे झुलाते हैं लोग। और यहाँ पर रहा नदी, पर नदी भी सूख गया यार, पानी एक ठोप भी पानी नहीं यार। और इस पार से उस पार मोटरसाइकिल इस पर आ जाता है, चल जाता है, और पूरे मस्त व्यू दिख रहा है यार। और देखिए दोस्तों नदी में पानी भी नहीं यार, एकदम पानी सूख गया है। और दोस्तों इतना ज़्यादा कुछ घामी हो रहा है ना कि खेत तो खेत है, नदी भी सब सूख गया यार, तो पूरे फसल बर्बाद हो गया हमारा, और नदी का भी पानी सूख गया है, तो थोड़ा बहुत समस्या होगा। देखने से ना दिल टूट जाता है यार, खेत जब देखते हैं ना वैसा तो दिल टूट जाता है, जब किसान इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब फसल जल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है दोस्तों। क्या बोले कि कैसे आप सभी से बताएं, किसान ही समझता है किसान के दुख। और अभी अभी नदी पे आए तो देख रहे हैं कि नदी में भी पानी नहीं है यार। इधर भी देखिए पूरे सुनसान दिख रहा है, ये नदी है, और मेरे पीछे में भी एक नदी है, इसी नदी के आए इस पार उस पार, और ये पुल बना हुआ है देखिए, यहाँ से एक पुल है पीछे में, और ये झुलनी पुल है, बहुत ही अच्छा दिखता है। पर क्या बोले दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ही कुछ डिमोटिवेट के साथ में ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और अभी मैं जस्ट आया था यहाँ पर दिखाने के लिए आप सभी लोगों के, और देखने के लिए अपने खेतों में कैसा हुआ है वो सब दिखने के लिए आए थे यहाँ पर। पर कोई बात नहीं यार, पूरे गन्ना की फसल तो बर्बाद ही हो गया है, तो क्या दिखाएं आप सभी लोगों के, जो था वो दिखा दिए। तो चलते हैं अभी घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कुछ लेट हो जाएगा ना, तो जाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत। और दोस्तों एक तो धूप सब गन्ना की फसल को बर्बाद कर दे रहा है, और एक ये सब जानवर है ना, ये सब जानवर भी गन्ना की फसल की सब बर्बाद कर दे रहा है यार। इतना ज़्यादा जंगल से आ गया है ना कि सब किसान की ना खेती पाती में सब बाधाएं डाल रहा है यार, सब फसल के जान करने में और बर्बाद करने में ना ये लोग के बहुत बड़ा हाथ है। लोग इतना ज़्यादा है ना इस जंगल इलाके से सब आए हुए नीलगाय हम लोग बोलते हैं, इतना ज़्यादा फसल को बर्बाद कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा कि बात ही छोड़ दी यार। घाम उगता है, धूप लगता है, तो खेती पाती तो वो सब भी जर जाता है, सब नष्ट हो जाता है। और ये लोग तो वो सब भी आधा बच्चा रहता है ना, तो ये सब घिंच घिंच करके खा जाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ जंगल से जानवर आ गया है, और देखिए कैसा ताक रहा है, इतना ज़्यादा जानवर, तो ये सब वन विभाग के आदमी भी इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा आ गया है गाँव में। और दोस्तों इतना सारा ले लिया एक खेत में जब पड़ेगा ना तो सब भी बर्बाद कर देगा फसल को यार। चलिए दिखाते हैं लग में से आप सभी लोगों को कैसे दिख रहा है ये सब, और ये सब जंगल से आया है यार, इतना ज़्यादा फसल को बर्बाद कर रहा है ना, इतना ज़्यादा कि बात ही छोड़ दे ये लोग को। देखिए कितना ज़्यादा है यार, इतना ज़्यादा रहेगा, जब इतना ज़्यादा रहेगा, इतना तो अभी बहुत ज़्यादा ही कुछ कम है, इससे भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और चलते हैं देखते हैं क्या होता है, इधर से तो निकल रहा है सब, देखिए यहाँ पर निकल रहा है, आजा तेरे साथ एक फोटो तानते हैं, ये वाला है ना, ये वाला बहुत ज्यादा ही कुछ डीट है, देख रहा है यार उधर भी देखिए खड़ा है, भागने लगा। तो चलिए दोस्तों इसे क्यों परेशान करें, चलते हैं अभी घर की तरफ, और क्योंकि बहुत ज्यादा ही कुछ लेट हो गया है, शाम भी हो गया, थोड़ा काला काला मौसम भी हो गया है, अंधेरा भी हो रहा है धीरे धीरे, तो चलते हैं अभी आगे की तरफ। और दोस्तों अभी शाम की 7 बज चुका है, और अभी मैं जस्ट घर जा रहा हूँ, और ये रहा मेरे पीछे में सड़क, ये रोड है, हम लोग का गांव से एक निकल करके जाता है
नदी तक जाता है। तो ये रहा आप पीछे के व्यू और ये रहा आगे के व्यू। दोस्तों अभी कुछ बहुत ज्यादा कुछ अंधेरा हो गया है और अभी जस्ट घर पे आया हूँ। यहाँ पर अत्ता जी खाना बना रही है और सब्जी अभी बन रहे हैं और क्या रोटी बन गया। रोटी तो बन गया है और बहुत ज्यादा कुछ गर्मी हो रहा है अभी गांव में और कुछ पानी पड़ रहा था और कितना दिन से पानी नहीं पड़ रहा था ना इसलिए सब जल चुका है घाम से। पानी और देखिए दोस्तों अभी भी ये गर्मी हो रहा है बहुत ज्यादा कुछ गर्मी हो रहा है ना। रत्ता जी का फेस तो पूरे पानी पानी हो गया है, मेरा भी फेस पूरे पानी पानी हो गया है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए क्योंकि जब भी मेरा वीडियो जाए तुरंत आप तक नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।